राजीव गांधी महाविद्यालय उच्चैठ के सभागार में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का किया गया आयोजन। इतिहासकार स्नातकोत्तर एवं कला विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के स्नातकों ने को डिग्री इस दौरान बांटी गई। मुख्य अतिथि के तौर पर डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने शिरकत की। अध्यक्षता बांगर शिक्षा समिति चेयरमैन सज्जन सिंह ने की। 30 स्नातकोत्तर को 120 डिग्री इस दौरान बांटी गई। शैक्षणिक सत्र खेलकूद में NSS, NCC एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में अव्वल रहने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। हरियाणवी पंजाबी सलो एकल डांस भी छात्राओं ने प्रस्तुत किया। रणबीर गंगवा ने कहा कि जीवन में लक्ष्य, मेहनत, अनुशासन अनिवार्य है। विद्यार्थी जीवन में ये तीनों चीज़ नहीं है तो विद्यार्थी आगे नहीं बढ़ सकता। जिस क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा वह क्षेत्र हर मामले में आगे मिलेगा। शिक्षा मनुष्य की जिंदगी को बदल देती है। बिना शिक्षा के जीवन अंधेरे जैसा है। बेटियों को भी बेटों की तरह अभिभावक शिक्षित करें। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में हमें समय के साथ चलना होगा। जो समय के साथ नहीं चलेगा वो पीछे रह जाएगा। महाविद्यालय में आज मुख्य अतिथि के तौर पर आप पहुंचे हो, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आज राजीव गांधी महाविद्यालय का एनुअल फंक्शन और कम्युनिकेशन था, तो उसके अंदर मैं यहाँ आया हूँ और एक ये कहूँगा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के प्रयास से मैं, क्योंकि मैंने पहली बार आज यहाँ आकर के इस कॉलेज में देखा है, तो बहुत ही शानदार महाविद्यालय एक ग्रामीण अंचल के अंदर बनाया है और उसके अंदर आज मुझे आने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ के स्टूडेंट्स से भी रूबरू हुआ और अच्छी तरीके से कॉलेज का देखा, तो बहुत ही अच्छा लगा कि एक शानदार कॉलेज का निर्माण यहाँ किया गया है जिसमें अच्छी शिक्षा दी जा रही है। बच्चों के जहाँ मार्क्स भी अच्छे आए हैं, वहीं चाहे वो खेल का क्षेत्र है, एथलीट का क्षेत्र है, उसके अंदर भी अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे बच्चों को शिक्षा दी जाती है। सर, जो अभी नगरपालिका के चुनाव का वो हो चुका है, शुभारंभ हो चुका है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? नगरपालिका का चुनाव है पूरे हरियाणा पर, क्या पार्टी भी अपने प्रतिनिधि उतारेंगी इसके अंदर? नगरपालिका के चुनाव हुए हैं, जैसे आपको पता ही है कि नगरपालिका के चुनाव डायरेक्ट होंगे। पहले तो MC से चेयरमैन बनते थे, अब जो चेयरमैन का चुनाव है वो भी अब डायरेक्ट होगा और जितने भी नगरपालिकाएं हैं या नगर परिषद है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल पे चुनाव लड़ेगी। ये पहले तय हो चुका है और अलग अलग जो नगर पालिकाएँ हैं उनके प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं और पार्टी की पूरी तैयारी है और हम अपने चुनाव मैदान के अंदर हमारे कैंडिडेट जो है उतारेंगे। कैंडिडेट फाइनल हो चुके हैं सर या अभी पार्टी प्रपोजल रहता है? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, वो उन्होंने अपनी रिपोर्ट हाईकमांड को दी, हाईकमांड बैठ करके ये तय करेगी, जो प्रदेश की हमारी चुनाव समिति है वो तय करेगी कैंडिडेट, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है पूरे के पूरे चुनाव क्षेत्र के अंदर। आज का क्या कार्यक्रम था उच्चैठ विधानसभा में जो आप यहाँ पर आए? उच्चैठ विधानसभा में पहली चीज़ तो ये कि मेरे को कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं है आने के लिए, मेरा घर है ये। हाँ, लेकिन क्योंकि आपने पूछा तो आज राजीव गांधी महाविद्यालय का कॉन्वोकेशन था और उसके साथ एनुअल फंक्शन के जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन थे वो भी आज था। खास तौर पे पिछले 2 साल से कोविड की वजह से ये आयोजन नहीं हो पाए थे, तो कॉन्वोकेशन में डिग्रीज का आवंटन और उसके अलावा जो बच्चे जिन्होंने अपने सब्जेक्ट्स में या खेल कूद में अच्छा किया है या कॉलेज के बाहर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है उनको आज सम्मानित किया गया है, तो उस कार्यक्रम के लिए आए थे और उसमें हमारे मुख्य अतिथि हमारे हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर श्री रणबीर गंगवा जी थे और मुख्यतः यही था। और उसके बाद वैसे मेरे उच्चैठ मंडी में और बड़े उच्चैठ में कुछ कार्यक्रम हैं लोगों के यहाँ, जलपान कह लीजिए या सामाजिक तौर से कह लीजिए, जैसे भी आप उचित समझें। सर, उच्चैठ में काफ़ी समस्याएं सामने आ रही हैं, मान लीजिए कि
उचाना के जो हॉस्पिटल है वहाँ पे भी स्टाफ की समस्या आ रही है, उचाना का जो बस स्टैंड है उसकी भी समस्या आ रही है, काफ़ी अधिकारियों को बोला गया, अभी तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? इसके बारे में तो यही कहना चाहूँगा कि मेरे को आपने जिक्र किया है, मैं बात कर लूँगा जो संबंधित अधिकारी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये सवाल कहीं और पूछें तो आपको ज़्यादा बेहतर जवाब मिल जाएगा। सर आपका कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन किसी और से नहीं किया? मेरे कहने मेरे 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 कहने का कोई मतलब नहीं है, मैंने जो मतलब था वही मैंने कहा है जी। तो डिप्टी सीएम से भी यही क्वेश्चन किया गया था, तो उन्होंने ये बोला कि आश्वासन दिया गया कि करेंगे, बट पिछले 2 साल के अंदर अभी तक हॉस्पिटल का कोई भी स्टाफ सदस्य जो है नया रिक्रूट नहीं हुआ है, हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी वैकेंसी है, और हमारा जो यहाँ उचाना का जो बस स्टैंड है वहाँ पे भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है उसके ऊपर। सर देखिए, हॉस्पिटल और बस स्टैंड दो अलग अलग मुद्दे हैं जी। बस स्टैंड उचाना का कभी चालू हुआ ही नहीं जी, और अब जिस प्रकार से हाईवे बनी है मुझे कोई संभावना भी नहीं लगती कि किसी भी तरह से आप बसों को उस बस स्टैंड के अंदर घुसा सकते हैं जी। तो उसको तो एक नए सिरे से देखना पड़ेगा कि बस स्टैंड का क्या उसका सदुपयोग किया जा सकता है। हॉस्पिटल का जहाँ तक सवाल है, एक सिविल हॉस्पिटल बनाया गया था मेरी माँ जब MLA थी, और मैं प्रयास करूँगा कि वैसे तो लोगों ने जिम्मेवारी किसी और को सौंपी थी, लेकिन अब मैं प्रयास करूँगा कि उसमें स्टाफ भी आ जाए जी। युवा जो आपने अभी सुना होगा, पिछले काफ़ी दिन पहले एक युवा ने जो फौजी की तैयारी कर रहे थे उसने आत्महत्या कर ली, युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? युवाओं के लिए BJP पार्टी क्या रोज़गार का शुभारम्भ कब करेगी? देखिए, बड़ी दुखद घटना है कि एक जवान मौत हुई, और वो भी सुसाइड के वजह से, दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए था। और मैं ज़रूर ये चीज़ कहना चाहूँगा युवाओं को कि इसको किसी भी प्रकार का उदाहरण ना माने, ये कोई अपने जीवन के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। 22 साल की कोई उम्र नहीं होती जहां आदमी ये डिसाइड कर ले कि मेरे लिए ज़िंदगी में अब कुछ करने को बचा नहीं है, 22 एक बड़ी युवा उम्र है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि 2 साल से जो कोरोना की जो मार पड़ी है उसमें जो भर्तियां हैं ख़ास तौर पर फ़ौज की हुई या पैरामिलिट्री फोर्सेज की हुई, उसमें ठहराव आ गया है, वो रुक गई थी, और मुझे उम्मीद है कि ये फ़ौज की जो भर्तियां हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेज की जो भर्तियां हैं ये जल्दी दोबारा शुरू हो जाएंगी। तो युवाओं से जो इस तरह की तैयारी कर रहे हैं इन आर्म्ड फोर्सेज में जाने की, उनसे तो मेरा यही अनुरोध है कि थोड़ा संयम रखें, और सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि ये जो 2 साल का हर्जा हुआ है, अगर यदि उसमें एज का कोई फैक्टर आता है उसको उसमें भी अगर कोई रियायत की जा सके तो सरकार उस पर भी गौर कर रही है। सर पिछले काफ़ी 4 साल से 5 साल से देखा जा रहा है कि सरकार की तरफ से कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है, बट डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि हमारे पास वैकेंसी है, तो क्या रीज़न है, मुख्य क्या रीज़न है सर इस चीज़ का? जो डिपार्टमेंट तो बोल रहा है कि हमारे पास रिक्त पद है और सरकार उनको आगे नहीं लेके आ रही है। अगर आप इस बात को किसी तथ्य के साथ जोड़ के कहते तो मैं जवाब बेहतर दे पाता, क्योंकि हरियाणा में 2019 में तो हज़ारों हज़ार भर्तियां हुई थी, तो आपका ये कहना कि 4-5 साल से भर्तियां नहीं हुई हैं वो सरासर तथ्यों से परे है। 2009 में तो बहुत बड़ी भर्ती हुई थी हरियाणा में, 2019 में तो हाँ, लेकिन ये है कि हमेशा जो नौकरी, सरकारी नौकरी जो है उसका संबंध जो खजाने की स्थिति है उससे भी रहता है, और ये सबको मानना पड़ेगा कि कोरोना का टाइम जो था उसमें हमारी अर्थव्यवस्था जो थी उसको ठेस पहुंची थी, और एक झटका या धचका जिसको कहते हैं वो अर्थव्यवस्था को क्योंकि लगा था, जिस वजह से जो टैक्स कलेक्शन वगैरह जो है उसमें भी सारा फ़र्क पड़ता है। तो अब क्योंकि स्थिति सामान्य होती जा रही है, तो जैसे मैंने पहले कहा था फ़ौज की भर्तियों के लिए दूसरे डिपार्टमेंट्स की भी जो भर्तियाँ हैं